बीएमपी मेक हेवी ड्यूटी लेथ मशीन इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन. दिस इज अ मेड इन इटली लेथ हैविंग रैपिड ट्रैवल्स ऑन द लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल ऑफ द कैरेज. अभी ये चक काफी स्पीड से चल रहा है, ये कैमरे की इफेक्ट की वजह से स्लो लग रहा है. दिस इज अ वेरी हैवी ड्यूटी मशीन हैविंग टू डिफरेंट बेड्स. इसमें एक बेड ऊपर है और एक बेड या नीचे है. ऊपर वाला बेड सिर्फ सेंटर के लिए है, ये वाले पे सिर्फ सेंटर सपोर्ट करता है, कैरेज नहीं चलता. कैरेज जो है वो नीचे वाले बेड पे चलता है. सो इसमें हमेशा कैरेज जो है वो कवर्ड रहता है, नीचे वाला जो बेड है वो कवर्ड रहता है. दैट इज वाई द कंडीशन ऑफ द बेड ऑफ दिस मशीन इज वेरी गुड. अनदर गुड एडवांटेज ऑफ दिस मशीन इज कि इसमें एक्स्ट्रा डायमीटर के जॉब के लिए गैप को बार बार रिमूव नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें दो अलग अलग बेड है. ये वाला बेड कैरेज के लिए आगे तक है और ऊपर वाला बेड जो सेंटर के लिए वो छोटा है. तो डैट इज़ वाई इसमें डायमीटर जो गैप है उसमें ज़्यादा मिल जाता है एंड गैप को रिमूव भी नहीं करना पड़ता. द मेक ऑफ दिस मशीन इज बीएमपी वगैरह. दिस इज अ मेड इन इटली मशीन. इट इज़ एन ऑल गियर्ड हैवी ड्यूटी मशीन. इसमें जो थ्रेडिंग चार्ट्स वगैरह है वो भी क्लियरली विजिबल है. मशीन इज इक्विप्ड विद अ फोर जॉ टाइप डॉग चक. इट इज ऑल्सो कम्प्लीट विद अ डिफरेंट फोर जॉ सेल्फ सेंटरिंग चक. उस सेल्फ सेंटरिंग चक के हमारे पास स्पेयर जॉज भी हैं. इट इज कम्प्लीट विद अ थ्री पॉइंट स्टडी. इट इज ऑल्सो कम्प्लीट विद अ फॉलो रेस्ट. अदर असेसरीज आर ऑल्सो देयर, सेंटर एक्सेट्रा. ट्रैवल्स ऑफ द कैरेज जो इसमें मोटराइज्ड रैपिड ट्रैवल्स है कैरेज का वो दिखा दो. ठीक है अभी पीछे ले जाओ. ठीक है रोक दो. अभी इसका फीड ट्रैवल एंगेज कर दो, पूरे कैरेज को आगे की तरफ फीड में. ये नीचे वाले लीवर से फीड एंगेज होएगा. अभी हमने फीड ट्रैवल एंगेज कर दिया है. जो पूरा कैरेज है वो अभी धीरे धीरे आगे की तरफ फीड में जा रहा है. द फीड ट्रैवल कैन बी सीन. ठीक है अभी ये इससे हटा के इसकी क्रॉस साइड में फीड ट्रैवल चला दो. अभी हमने इसकी क्रॉस साइड का फीड ट्रैवल चला दिया है. ठीक है इसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी हो तो अभी हम फीड की डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं. इसमें चक रोक देंगे अभी और उधर से डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे. वी हैव रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फीड ट्रैवल. वी कैन सी कि जिस डायरेक्शन में पहले ट्रैवल चल रहा था वो अभी रिवर्स हो गया. ठीक है अभी इसको चलाना नीचे वाले को, कैरेज को क्रॉस साइड को डाके. ठीक है अभी हमने क्रॉस साइड को चला दिया. पहले पूरा जो कैरेज है सॉरी पहले जो पूरा कैरेज है वो फीड में आगे जा रहा था, अभी ये फीड में पीछे जा रहा है. ठीक है सो दीज आर दी फीड ट्रैवल्स ऑफ द कैरेज एंड दैट ऑफ द क्रॉस साइड. डिफरेंट स्पीड्स ऑफ दी फीड ट्रैवल्स. हमने अभी इसका फॉरवर्ड फीड ट्रैवल चला दिया है और जो पूरा कैरेज है वो अभी फीड में आगे की तरफ जा रहे हैं. ठीक है इसकी अलग अलग स्पीड दिखा दो. ठीक है ये थोड़ा तेज हो गया और तेज. ठीक है द फीड ट्रैवल हैज फर्दर इंक्रीज. और तेज दिखा दो फीड का रेट. ठीक है वी कैन क्लियरली सी दैट द फीड रेट हैज इंक्रीज. जिस स्पीड से ये शाफ्ट रोटेट कर रही है उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो गई है. और तेज दिखा दो.
ठीक है, द फीड रेट हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, द लीड स्क्रू फॉर थ्रेडिंग पर्पजेस, हमने इसका अभी फीड की शाफ्ट को बंद करके लीड स्क्रू की रोटेशन को स्टार्ट कर दी है थ्रेडिंग का पर्पज दिखाने के लिए, ठीक है, अभी जो पूरा कैरेज है इसको लीड स्क्रू पे लगा दो, ठीक है, वी हैव राइट नाउ एंगेज द मूवमेंट ऑफ द कैरेज थ्रू द लीड स्क्रू, द होल कैरेज इज नाउ गोइंग फॉरवर्ड थ्रू द लीड स्क्रू, इसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी हो तो अभी हम जो लीड स्क्रू की रोटेशन है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करें तो जो पहले पूरा कैरेज थ्रेडिंग करता हुआ आगे जा रहा था वो अभी पूरा कैरेज थ्रेडिंग करता हुआ पीछे जा रहा है, ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द लीड स्क्रू रोटेशन फॉर थ्रेडिंग पर्पजेस, डिफरेंट स्पिंडल स्पीड्स, राइट नाउ द स्पिंडल इज एट इट्स मिनिमम स्पीड ऑफ 40 RPM, 40 रोटेशंस पर मिनट, ठीक है, तेज दिखा दो अभी, इसको 4 पे कर दो लीवर को, हाँ चला दो, वी हैव इंक्रीज द स्पीड ऑफ स्पिंडल रोटेशन, ठीक है, और तेज दिखा दो, ठीक है, और उसको 2 पे कर लो, 2 चला दो, ठीक है, अभी हमने स्पिंडल को काफी तेज चला दिया है एंड एज वी कैन हियर देयर इज नो नॉइस एट ऑल इन द गियर बॉक्स और इन द स्पिंडल ऑफ द मशीन इज कंप्लीटली साइलेंट, अभी जो भी मैक्सिमम RPM है वो दिखा दो, मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड, हमने अभी स्पिंडल की स्पीड को मैक्सिमम कर दी है एंड एज वी कैन हियर देयर इज नो नॉइस एट ऑल, नो वाइब्रेशन एट ऑल इन द गियरबॉक्स और इन द स्पिंडल ऑफ द मशीन, द कंडीशन ऑफ दिस मशीन इज एक्सीलेंट, ट्रैवल्स पहले पूरा कैरेज आगे ले जाओ, कैरेज पीछे, क्रॉस स्लाइड, रिवर्स, ठीक है, इट इज अ हेवी ड्यूटी टाइप मेड इन इटली BMP मेक लेथ मशीन, ऑल गियर लेथ मशीन कंप्लीट विद अ 3-point स्टडी जॉब स्टडी स्पेयर जॉज एंड अदर एसेसरीज, इट इज अ डबल बेड टाइप लेथ जिसमें गैप को रिमूव नहीं करना पड़ता, हमेशा ज्यादा गैप रहता है, द कैरेज कैन गो टूवर्ड्स दी चक, द मशीन इज इन ओवरऑल एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन एंड ऑल द फीचर्स आर वर्किंग परफेक्टली फाइन,